इतना ज्यादा दर्द हो रहा है, कल रात को सोते हुए ऐसे क्रैम्प आ रहे थे ना, ये वाले जो क्रैम्प्स है ना ये मुझे प्रेगनेंसी के टाइम पे आते थे, तो आप लोग ना बताना कि यार नहीं प्रेग्नेंट नहीं हूँ मैं, चाहती हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ परंपरा है आगे मेरे बच्चे मेरे पोता पोती कब होंगे। एक और बीबी प्लान करो प्लीज, भगवान जी की मर्जी है, जब होएगा तो जरूर प्लान करूंगी। और गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब, होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे हैं। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो सुबह के बज चुके हैं 9, मैं उठ चुकी हूँ, शावर ले चुकी हूँ, अब फटाफट से मंदिर की सारी पूजा करती हूँ, उसके बाद पंडित जी आएंगे, भोग लगाएंगे और पूजा करेंगे, क्योंकि मैंने इस बार पंडित जी को बोला है आप ही आना और अच्छे से पूरी पूजन वूजन सब कुछ आप ही करके जाना, पूरे रीति रिवाज जो भी होता है पूरे तरीके से। तो पंडित जी आएंगे और पंडित जी करके जाएंगे, तब तक मैं पूरा मंदिर वगैरह कमरा घर वगैरह सब क्लीन कर लेती हूँ। चीकू भी उठ चुका है, मैं चीकू यहीं सोए थे, लक्ष्मी यहीं सोई थी, और सुबह 5 बजे आए थे अरमान और गोलू, और वो दोनों सो रहे हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करूंगी क्योंकि कल पूरा दिन उनका हैक्टिक रहा, पहले यहाँ पूजा में थे फिर पूरा दिन उनका शूट था, तो उनको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मैं ही अकेले कर लूंगी, कल से फिर वो लोग भी शामिल हो जाएंगे पूजा में। तो जितने भी लोग चैनल पे नए हैं जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले जो हमारी जोत जल रही है ना, हमारी अखंड जोत जल रही है पूरा, जब तक हमारे गणपति जी घर पे है तब तक के लिए, तो पहले इसमें घी थोड़ा कम हो गया, रात भर मैं देख रही थी घी को और अभी थोड़ा कम हो गया, तो इसको थोड़ा सा डाल देते हैं घी को। अब पूजा की थाली वगैरह ये सब सामग्री जितनी भी है ना जो कल यूज हुई है उनको क्लीन कर देती हूँ, पूरा पंडाल क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद सारा भोग वगैरह का तैयारी करती हूँ। मैंने ना ये थाल बनाया है, इस थाल में सारा जितना भी 5 दिन का सामान होगा ना सब इसी में डालूंगी और एक ही साथ प्रोवाइड करूंगी। तो मैंने यहाँ की सारी अच्छे से क्लीनिंग कर ली है, अब मैं फटाफट से जो जो सामान मंगाना है ना ब्लैंकेट से वो ऑर्डर कर देती हूँ, और भैया को बोल रखा है मैंने भगवान की माला और मोदक आप ले आना, तो बाकी जो है धूप वगैरह वो मैंने ऑर्डर कर लेती हूँ ब्लैंकेट से। तो भाई यहाँ पे मेरा आनू भी जो है वो जग चुका है, गुड मॉर्निंग कर दो सबको, सबसे पहले सोता भी यही है, सबसे पहले उठता भी यही है। तो अभी मम्मा ना फटाफट से पूरे घर की सफाई कर लेती है, फिर मम्मा जो है पूजा करेगी और मेरा बेटा नाई नाई करके रेडी होएगा। ओहो भाई इतनी बड़ी उबासी, इसको देख के आप लोगों को उबासी ना आ जाए। तो गाइस हमारी ना घंटी ना बच्चों ने तोड़ दी थी दोनों ने, तो मैंने अभी सुबह सुबह ना घंटी मंगाई है और साथ में हाँ बेटा तू बने ना थी दूध खिलाए हाँ थोड़े से ना ओ! अभी कार पर किसी ऊपर गिर जाती मम्मा तू कहाँ कर रहा, अभी लग जाती छोटू मम्मा हाँ ऐसे करके फिर देखता है गंदी बच्ची छिलका निकाल के खाई थी कूड़े से। कूड़े से क्यों निकाल रही थी भाई तू, क्यों निकाल रही थी, इधर देख इधर इधर दो, हेलो चीतू भाई को जवाब दो, चलो निकल गई मेरा शोला गेजी का बेद भी भेज है, मोदक खाएगा मेरा शोला मोदक, अनु मोदक खाना है, देख 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 ये सारी कुबत ये करता है। अनु की निन्नी हो गई। क्या ऐसे नहीं करते गंदी बात हो, थप्पड़ नहीं दिखाते गंदी बात होती है, आ जाओ मम्मी पास आ जाओ। मेरा बाबू बच्चा मेरा सोना कुछ खाएगा मेरा पुत्र, मनु खिचड़ी लेके आ। वक्र तुंड महाकाय अनु टूबा कहाँ है, कहाँ है टूबा, किधर है टूबा, याद कर रहा है कहीं खो गई क्या, टूबा नीचे है, तो तू आज निक्की के पास सो रही गाइस। तो भाई सुबह से अभी टाइम मिला है हमें बाहर निकलने का, क्योंकि गर्ल है घर में कीर्तन और कीर्तन का बहुत सारी, मैं पहली बार घर में कीर्तन करा रही हूँ, तो इससे पहले हमने पाठ कराया है गुरु जी का, पर कीर्तन पहली बार करा रहे हैं, तो कीर्तन मंडली जो है मैम भेज रही है, मैम की सोसाइटी में आंटियां हैं बहुत सारी जो कीर्तन करती है, तो बहुत अच्छे से हो जाएगा सब कुछ। तो अभी जो है मैं फल फ्रूट्स वगैरह और जो भी कल की अरेंजमेंट है वो करने के लिए निकली हूँ बाहर। हेलो एवरीवन, तो गाइस कल से गायब हूँ व्लॉग से, बट बहुत अच्छा शूट रहा, मैंने ना शूट पे पूरा व्लॉग जो है पूरा का पूरा शूट करा है मैंने शूट पर, और वो जो व्लॉग है ना तब आएगा जब हमारा गाना रिलीज होगा, और उसके अंदर मैंने इतने सारे आउटफिट पहने हैं सारे, मतलब ये लगा लो एक गाना इतना जबरदस्त आने वाला है, गाने का नाम है गंडासा, और जो कि आने वाला है हमारे नंबर 1 रिकॉर्ड्स पे हमारे खुद के चैनल पे, और गाने में ना मैंने सारे आउटफिट पहने हैं, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो वेस्टर्न हो चाहे वो हरियाणवी हो, मतलब लहंगा पहना है, वन पीस पहना है, जंप सूट पहना है, और जो हमारा हरियाणा की जो कल्चर की ड्रेस होती है दामन वो भी पहना है, बहुत अच्छा गाना आने वाले और इसके अंदर एनी ने इतना जबरदस्त डांस करा है। सो गाइस कल ना मेरे को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे जब मैं स्नैपचैट पे थी, मैं स्नैपचैट बना रही थी, स्नैपचैट में मैं ही दिख रही थी और एनी दिख रही थी और चिकू के पापा, कि पायल नहीं है इस गाने में, पायल नहीं है, तो मैं आप लोगों की बात पायल से करवा देती हूँ कि पायल गाने में हम लोगों ने पायल को क्यों नहीं लिया और वो क्यों नहीं है।
तो भाई इस गाने में मैं इसलिए नहीं थी क्योंकि हमारे घर पे बप्पा आए हैं, आप सबको पता है, और गाने का ना इंस्टेंट प्लान बन गया। मतलब गाने का कोई प्लान नहीं था कि गाना होगा, पर गाने का इंस्टेंट प्लान रातों रात हुआ कि नहीं गाना करना है। इसलिए जो है मैंने बोला कि मैं यहाँ के सारे जितने भी अरेंजमेंट्स हैं बप्पा का, आरती वगैरह ये सब, क्योंकि शाम की आरती भी करनी होती है, तो मैंने कहा मैं वो सब संभालूंगी, गोलू तू चली जा, क्योंकि ठीक है गोलू कर लेती सब कुछ, पर फिर भी मैंने बोला कि मैं देख लूंगी सब कुछ, तू चली जा। जो गाना है ना, तो गाना थोड़ा सा ऐसे बहुत ही जबरदस्त गाना है। मतलब मेरे को ना एक्चुअली गाने में मोन्टाज करने नहीं आते, और गाने में डांस जो था वो एनी बहुत अच्छा करती है, तो मैंने बोला मोन्टाज ये बहुत अच्छा करती है, डांस वो कर लेगी तो गाना परफेक्ट हो जाएगा, तो मैंने मना कर दिया था गाने के लिए। तो गाइस किनू जो है चीकू पापा बहुत खाते हैं, तो मेरे को किनू लेके जाने पड़ेंगे, किनू घर में खत्म हो चुके हैं, तो 2-3 किलो लेके जाऊंगी साथ में। कल के लिए फ्रूट लेके जाने, केले मुझे यहाँ पे अच्छे लगे, केले कहीं और से लूंगी। सो गाइस कल से मेरे साथ पता है क्या हो रहा है, मेरे ना काफ में ना इतने ज्यादा क्रैम्स आ रहे हैं ना, मैं बता नहीं सकती, बहुत ही ज्यादा। मतलब अभी भी ना इतना ज्यादा दर्द हो रहा है, कल रात को सोते हुए ऐसे क्रैम्प आ रहे थे ना, ये वाले जो क्रैम्स है ना ये मुझे प्रेगनेंसी के टाइम पे आते थे, तो आप लोग ना बताना कि यार नहीं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, उस टाइम पे मेरा 6-7 महीना चल रहा था, तब की बात है, पर इतने क्रैम्प्स आ रहे हैं ना, मेरे पैर इतने दर्द हो रहे हैं ना। तो मैं जो है सेब ले रही हूँ, और ले रही हूँ केले, अमरूद, अनार ऑलरेडी है, तो उसमें पूजन में भी काम आ जाएगा और कीर्तन में भी काम आ जाएगा। भाभी देखो आप कितनी मेहनत कर रहे हो, और वो भाभी जी क्या कर रही हैं? योगेश लेकिन मैं बुराई नहीं करूंगा, तो क्या हो गया? रीली तो बना रही है, अब नहीं लिया जा रहा होगा व्लॉग ना, मैं यहाँ पे लाइन में लगी हूँ और वो रील बना रही है, तो मैंने तो आपकी बुराई भी नहीं करी, अब तो कर भी नहीं सकता, डरा हुआ क्यों? ये सब रील के चक्कर में लाई है, खरबूजा तरबूजा, और ये खरबूजा क्या है मुझे भी नहीं पता क्या है, क्या ये? ये खरबूजा तरबूजा, मुझे खरबूजा तरबूजा लगा, पर वो कह रही खरबूजा नहीं है, पूछती क्या है? मस्क मेलन है ये? वाटर मेलन नहीं, मस्क मेलन है, मस्क मेलन येलो वाला। हाँ तुझे पता है, तुझे कमेंट आ रहे थे क्यों? मैंने पढ़ा, मैं उस दिन हम सब्जी मंडी आई थी लास्ट टाइम जब हमने वीडियो बनाई थी जूस वाली, तब हम आए थे ना, तो ये घी है ना, घिया घी है, फिर मैंने बोला पहले घी है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं था, तुमने बोला इसको बिटर गोर्ड कहते हैं, इसको कहते हैं गोर्ड, गोर्ड है ना। बैटर में अपनी तरफ से लगा के बोलते हैं, इसकी इज्जत बढ़ाई थी। अभी तो सिर्फ टमाटर ही डल रहे ना सब्जी में, तो मैं टमाटर ज्यादा ले रही हूँ। तो गाइस बाहर इतना ज्यादा ट्रैफिक हो चुका है, इतना ज्यादा ना, पाल देखियो यार ट्रैफिक देखियो बार, ओहो इतना ट्रैफिक हो रहा है ना बाहर, देखो पूरी रोड ब्लॉक हो गई है। मौसमी ले रही हूँ बच्चों के जूस के लिए, ठीक है पाल। तो गाइस अभी मैंने सोचा है काम करते नारियल पानी पी लेती हूँ, क्योंकि कल से ना क्या शूट की वजह से ना ढंग से खाना खा नहीं पाई ना पानी पी पाई, तो नारियल पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये नारियल पानी पहले पायल को देके आ जाओ। अरे वाह भाभी लाओ, मेरे लिए लाइयो। अरे वो दूसरा खोल रहे भैया, भैया भैया रहन दो, मैं एक से पी रहे हम। तो गाइस मम्मी ने बचपन में सिखाया था शेयरिंग इज केयरिंग, पायल को और मुझे भी, और हम भी बच्चों को सिखाते हैं पायल शेयरिंग इज केयरिंग। देखा इनके लिए पाइनएप्पल कटवाऊं क्या? पहले हम लोग आगे मिल्टन की दुकान पे, क्योंकि चीकू के पापा बहुत सारे कपड़े लेके आए थे, तो कपड़े टांगने के लिए ना हमारे हैंगर सारे खत्म हो गए थे, तो हम यहीं से लेते हैं सारा सामान, इसलिए मैं पहुंच गई हूँ फटाफट से हैंगर ले लेते हैं। तो अभी हम लोग ना यहाँ पे डोंगे भी ले लेते हैं, क्योंकि कल प्रसाद होगा, साथ में प्लेटें भी, आए चाय भी तो पीते हैं कीर्तन में, चाय बना देगी, चाय पीने के लिए तो वो भी तो लेने पड़ेंगे ना, चाय वाले ग्लास ले ले, और वो तीन वाला भी हो, तीन वाला ठीक है। तो हमने ना चाय के लिए ये वाला साइज लिया, और ये ना अच्छा है, क्योंकि क्या होता है ना कभी कभी जो कप होते हैं ना थोड़े ढीले होते हैं, पर थोड़ी अच्छी क्वालिटी के, गिरने का डर रहता है, चाय गर्म होती है, ये वाले जो है ना ये काफी अच्छी हार्ड क्वालिटी की है। तो इसमें है 25-25-25-75 हमने ले लिए ग्लास, और ले लिया प्लेटों में कितनी है भैया? 50 100 बहुत है, ठीक है। हाँ ठीक है, 100 ये दे दो और 75 ये दे दो। चम्मच का भी सेट ले लिया है, ये इसमें है 100 पीस है, ये सब चीजें हमारे घर में होती है ना काम आ जाती है ना। तो गाइस पैडल ब्रश से याद आया कि इनका पैडल ब्रश खराब हो रहा है, और ना हम लोग हमेशा घर पे ना एक्स्ट्रा ब्रश रखते हैं, वो सारे एक्स्ट्रा निकल गए हैं, सारे एक्स्ट्रा निकल गए, तो सिर्फ एक ही ले रही हूँ, फिर मैं दो ले ले, एक अलमारी में रख दी, ठीक है। तो गाइस दो ले लिए, एक ये पिंक लिए, एक रेड लिए, एक संभाल के रख दूंगी और एक यूज कर लेंगे, क्योंकि कभी भी कहीं जाना होता है ना तो घर में ब्रश नहीं होता, फिर चीजें मिलती नहीं है। तो गाइस एक ना कमेंट आया था कि ना बच्चों की ना जो कंघी है ना वो अलग अलग यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के ना हेड में डैंड्रफ होने के और इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, तो मैंने एक कॉम्ब लिए स्पेशली ये बच्चों के लिए, इस कॉम्ब फाइल को यूज नहीं करेगा, सिर्फ तूबा आयन ज्यादा करेंगे। तीनों की अलग अलग ले ले फिर? नहीं तीनों की अलग अलग तो ज्यादा जरूरी है, बच्चे तो एक जैसे ही है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बच्चों के लिए कॉम्ब लिए। तो गाइस ये ना मैंने बहुत सुंदर लिया, आपको लग रहा होगा ये
वाइफ बेबी की फ्रॉक है, ये फ्रॉक नहीं है, ये हाथ जैसे किचन में रखते हैं ना हाथ साफ करने के लिए वो है, बट इतना क्यूट डिजाइन है ना, मुझे इतना सुंदर लगा है, बहुत सुंदर लगा है। तो एक मैं ये ले रही हूँ और इसमें हाथी वाला है, हाथी राजा। गाइस आज आ गया मेरे पास वो, और आपको लग रहा होगा ये सॉफ्ट टॉय है, सबको लग रहा होगा, तुझे भी लग रहा है सॉफ्ट टॉय है, ऐसे लग रहा था वो ऊपर रखा हुआ। ठीक है तो आज मैं इसको करूंगी इसका पोस्टमार्टम, इसको लिटाऊंगी प्यार से, और कर दिया मैंने सिजेरियन ब्लेड से इसका ऑपरेशन। ये एक सेकंड, गलत ऑपरेशन, अटक गया, अरे खराब डॉक्टर है ये, असली डॉक्टर को लेके आओ। तो इस पू के अंदर प्यारा सा ब्लैंकेट, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये तो मैं 3 लेके जा रही हूँ, और ये मेरे को डीडी क्योर की तरफ से है डेकोर प्लस 90, डेकोर प्लस 99 की तरफ से है गिफ्ट, क्योंकि भाई ये इनको मैंने इनवाइट किया था, बच्चों के बर्थडे पे नहीं आए थे, तो उन्होंने बोला मैम आप यहाँ पे आके गिफ्ट ले जाना, मैंने बोला ठीक है तो ये मैं लेके जा रही हूँ 3 गिफ्ट। अब आया ना गिफ्ट, मैं भाई अपने पढ़ाई। तो गाइस हम लोग ना 2 साल से शॉपिंग कर रहे हैं डेकोर प्लस 99 से, मतलब सीरियसली हमारे घर के सारे पर्दे, सारी बेडशीट, क्योंकि हमारा जो बेड है ना वो बहुत ह्यूज बेड है, उसकी चादरें नहीं मिलती है, तो हम यहीं से बनवाते हैं, तो हमें यहाँ पे बहुत सुंदर ये लगे हैं, मतलब ये इतने डिफरेंट है ना, इतने सुंदर लग रहे हैं, अगर हम घर पे लगाएंगे ना तो हर कोई पूछेगा कि भाई ये कहाँ से लिया है, तो आपको बता दिया हमने यहाँ से लिया है, और आप लोग भी ले सकते हो। तो ये मैं स्पेशली ले रही हूँ अपने वॉशरूम के लिए, क्योंकि वॉशरूम में जब भी जाते हैं ना टॉवल इधर उधर हो जाते हैं, बट ये ना ऐसे लगे रहेगा। तो पहले काम कर, 3, 4, 5, 6 ले रहे, सारे ब्राउन लियो, ब्राउन ले रही हूँ, गंदे नहीं, 4 ले रही हूँ, 4 कैसे, ठीक है। गाइस जब हम यहाँ पे आए थे ना ये पूरा भरा हुआ था, देखो खाली कर दिया गिफ्ट के नाम का, वेरी चला। अच्छा एक बात बोलूं भैया, मैं आपको वैसे बता देती हूँ, ये जो हम लेके गए हैं ना जैसे ब्लैंकेट वाला, ये आपकी शॉप पे वैसे ही सेल आउट हो जाएगा, क्योंकि आज हमने ले लिया है। तो गाइस सीरियसली ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आप देखो मेरे ना 4 बच्चे हैं, अब मेरा जो दिल है ना माँ के लिए ना, उसका चाहे बच्चा 10 साल का हो जाए, चाहे वो बच्चा 20 साल का हो जाए, अगर वो अपने एक छोटे बच्चे के लिए गिफ्ट लेगी ना, ऑटोमेटिकली वो अपने बड़े के लिए भी लेगी, चाहे बड़े के पास जितने मर्जी गिफ्ट हो, क्योंकि जो बच्चे के चेहरे पे खुशी मिलती है ना गिफ्ट माँ को देके, तो एक अलग ही होती है। तो भाई मेरे को 4 लेने पड़े, तो एक जो है ना मैं चीकू के लिए देखूंगी, क्योंकि ये जो डॉल वाला है तो तूबा का है, इन तीनों के ऑप्शन है चीकू के पास, तो मुझे ऐसा लगता है चीकू ना पू और इनमें से एक लेगा, और फिर जो बच जाएंगे 2 अयान जैद को दे दूंगी, उनको कुछ पता नहीं अभी। और वैसे भी गोलू भाभी का दिल तो बहुत बड़ा है गाइस, आपको पता है मैं इनकी बुराई कभी नहीं कर सकता। ऐसा क्यों लग रहा है जबरदस्ती ना सर पे चाकू की नोक पे बोला जा रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो आखिर गोलू ने 4 के 4 गिफ्ट ले ही लिए। गाइस अभी हम पहुंचे हैं शॉप पर, और यहाँ पर ना हमें पिल्लो लेने थे लल्ला के और राधा रानी के ना, छोटे पिल्लो और रजाई लेनी थी, तो अभी रजाई तो अवेलेबल नहीं है, बट पिल्लो है तो हम पिल्लो ले रहे हैं, कंफर्टेबल रहेंगे, कंफर्टेबल वाला मेरे ख्याल से ये बड़े रहेंगे उनके लिए ना, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए छोटे है ना। हमने एक आरती संग्रह लिया है, इसमें सारे देवी देवताओं की आरती है, तो ये हमारे घर में नहीं थी, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो ये भी ले लिया। देख पन्नी के अंदर से खा रही है तू बड़ी। तो गाइज मैंने सोचा आपके ना कुछ कमेंट रीड कर लेती हूँ, बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो पहला कमेंट है सानिया यादव का, पूरा टाइम इसकी गोद में तूबा रहती है, फिर कहती है हम बच्चों को इक्वली प्यार करते हैं, अयान हमेशा नैनी के साथ होता है। तो सानिया जी मैं आपको बता देती हूँ, भाई मैं तो समझा के थक चुकी हूँ, मैं आप फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ इस बात को, कि जिस टाइम पे पप्पा जी घर पर आ गए थे, जिस टाइम पे पप्पा जी घर पर आए थे उस टाइम पे ना हम सारे, हमारे सामने सारे बच्चे थे, फिर हुआ ये था कि ना अयान ना बहुत तेज रोने लग गया, बहुत तेज सोना बच्चों की नैनी ना, उसको मैंने बोला मैंने पानी कि आप इसको पकड़ के बाहर घुमा लो, क्योंकि बहुत तेज रो रहा था। अब बच्चा रो रहा है, बच्चे को रोते रोते तो छोड़ेंगे नहीं ना, उसको चुप तो कराएंगे ना, और मैं और पाल पूजा कर रहे थे, इसलिए अयान नैनी की गोदी में था, बाकी बच्चे अंदर थे। अब बच्चा कब रोता है कब हंसता है वो उसके हाथ में, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो नेक्स्ट कमेंट है ज्योति सिंह का, पायल इज द पिलर ऑफ द मलिक फैमिली, बिल्कुल सही बोला, पायल अगर है तो हमें, अगर पायल नहीं है तो बिल्कुल भी, हमने वो सारी चीजें इतनी अच्छे से मेंटेन करती है, वेल डन, कैसे कर लेती हो यार इतना सब कुछ, गोलू भी पूरा साथ देती है, बिचारी थोड़े घरेलू काम में वीक है बट साथ तो है। ज्योति जी बिल्कुल सही बोला कि अगर मैं घरेलू काम में वीक हूँ तो मैं आपकी टेक्निकल चीजों में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, जितनी भी टेक्निकल चीजें हमारी होती है, जितने भी काम की जो भी चीज होती है, वो सारी चीजें मैं हैंडल करती हूँ, पायल घर का काम हैंडल करती, तभी हम दोनों की ट्विनिंग अच्छे से बैठ रही है, क्योंकि पायल एक काम कर लेती है, मैं एक काम कर लेती, तो मिलके हमारा जो काम है ना वो हो जाता है। तो मैं और पायल चीख के पापा के दोनों स्ट्रांग पिलर है, अगर हम है तो वो है तो हम है। तो नेक्स्ट कमेंट है देविल डेड गेमर का, तूबा बहुत संस्कारी बिटिया है, पूजा बहुत अच्छे ढंग से करती है, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल के।
इट. थैंक यू सो मच. ये तो है, तू बना बहुत प्यार से जय बोलती है. सो नेक्स्ट कमेंट है स्वीट 00143 का. एज अ महाराष्ट्रन आई अप्रूव्ड योर लुक, लुकिंग ब्यूटीफुल बोथ, कीप स्माइलिंग पैलिंग कृतिका. नथ होती तो और मस्त लगते, बट ये भी सुंदर है, आप ऐसे हंसते रहो मस्ती करते रहो. तो स्वीट जी मैं आपको बता देती हूँ, अपन नथ थी बट ना नथ उस टाइम पे मिल नहीं रही थी. हमारे को ना नथ ना हमारी मम्मी ने, मतलब अरमान जी की मम्मी ने, हमारी सास ने हमें नथ दी थी गोल्ड की, बहुत सुंदर, तो वो नथ हमने संभाल के रखी थी. नेक्स्ट टाइम ना पक्का मैं और पायल ये नथ को वेयर करेंगे. सो नेक्स्ट कमेंट है यानू का, पिंक जैद पिंक कुर्ते में एकदम क्यूटी पुकी लग रहा है. तो यानू जी वो ना पिंक कलर का जो कुर्ता था वो अयान का था, ग्रीन वाला था जैद का. मैं आंटी को समझा के भी गई थी, जो ग्रीन वाला था ना उसका साइज बड़ा था, पिंक वाले का छोटा था. 18 से 24 महीने का था पिंक वाला, ग्रीन वाला था 1 से 2 साल का, तो वो जैद का था. पर आंटी ने दोनों को अलग पहना दिया. मुझे समझ नहीं आता कि उसके हिस्से में हमेशा पिंक ही क्यों आता है, क्योंकि मैं तो समझा के गई थी फिर आंटी ने पहना दिया. तो नेक्स्ट कमेंट है नीला मल्होत्रा का, जैद निशु की, अयान की लक्ष्य से, तूबा की निक्की से अच्छी बॉन्डिंग है. बिल्कुल ठीक बोला. तो लक्ष्य, निक्की और निशु इन तीनों के फेवरेट बच्चे हैं. निशु का फेवरेट है, बाकी भी फेवरेट है, पर निशु ज्यादातर जैद को लेता है, लक्ष्य अयान को लेती है, और जो निक्की है वो तूबा को लेती है. तो तीनों बच्चों के फेवरेट फेवरेट पर्सन है. आपने बिल्कुल ठीक बोला. सो नेक्स्ट है परमीला का, गणेश पूजा सेलिब्रेशन वॉज नाइट, इज गुड टू सी डेट पीपल आर स्टिल फॉलोइंग अवर ट्रेडिशन, गुड कीप इट अप. थैंक यू सो मच. बिल्कुल ये जो ट्रेडिशन है भाई, ये हमारा भी ट्रेडिशन है. हम लोग बहुत ज्यादा बप्पा जी को मानते हैं, और ये तीसरा साल है कि बप्पा जी हमारे घर में आए, और मैं चाहती हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ, ठीक है, हमेशा बप्पा जी को लेकर आऊँ, और बप्पा जी का जो परंपरा है आगे मेरे बच्चे, मेरे पोता पोती कब होंगे जो भी होंगे ना, तो वो भी सब निभाए और ये परंपरा हमेशा चलती रहे. सो नेक्स्ट कमेंट है सुनीता राव का, अयान इंस्टाग्राम वीडियो में सब में है, गणपति में नहीं है, और लिटिल कृष्णा मिसिंग. व्हाई, व्हाट इज अ प्रॉब्लम विद द लिटिल चाइल्ड? यू डोंट ट्रीट हिम जस्ट लाइक जैद चीकू तूबा, इट्स नॉट इक्वल पेयर, देयर इज ऑलवेज सेल शेम ऑन यू गाइस. सुनीता जी मैं तो भाई थक चुकी हूँ बता बता के, कि ऐसा क्यों हो सकता है कि मैं वहाँ पे जैद को रखूं, अयान तूबा को रखूं, चीकू को रखूं, अयान को नहीं रखूं. जैसे ही बप्पा जी आए, अयान इतनी तेज रोने लग गया कि हमने आंटी को बोला कि आंटी आप इसे बाहर लेके जाओ, ये इतनी तेज रो रहा है. अगली बार अयान रोएगा ना तो मैं वो चीज कैप्चर करूंगी, या फिर काम करूंगी, हमारे घर में कैमरे लगे हैं, वो क्लिप है, वो मैं निकालती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले हम कोई डिफरेंशिएट नहीं करती अभी. लेकिन एक बात हो रहा है, मान लो आप जैसे बता रहे हो कि जब अयान रोएगा मैं कैप्चर करूंगी, लोग कहेंगे देख रोते की वीडियो बना रही है, हम कहां जाएंगे? हम ये कर, हम ये करते हैं तो दिक्कत, वो करते हैं दिक्कत. दिक्कत ही तो यही है ना, बच्चा रो रहा है तो बच्चे को ये तो नहीं है कि बच्चा रोते रोते को हम वहाँ पे पूजा में रखेंगे, बच्चे को चुप कराएंगे. ऑब्वियसली बात है, आपके घर में भी अगर बच्चे हो 3-4, और अगर एक बच्चा रो रहा है तो आप उस बच्चे को चुप कराओगे, बाहर लेके जाओगे. कभी कभी क्या होता है, जैसे ढोल वाले आते हैं तो ना जैद डर जाता है, अयान तुम एंजॉय करते, तो मैं जैद को ना कोने पे ले जाती हूँ कि मेरा बच्चा डरे ना. तो ऐसे अयान के साथ है कि मेरा बच्चा रो रहा था तो मैं उसे बाहर बोल दिया जाने के लिए. तो भाई मैंने कोई गलती नहीं करी, एज अ मॉम मैंने बिल्कुल अपने बच्चे के साथ सही करा है. तो नेक्स्ट है प्रियंका पांडे का, अयान पिंक ड्रेस पहनने वाला था, जैद ब्लू, उल्टा कैसे हो गया? जैद के हिस्से में पिंक ही आता है. मैंने बताया आपको कि मेरे जो ड्रेस थी, मैं आपको कल दिखाऊंगी, कि ग्रीन वाली बड़ी थी, पिंक वाली छोटी थी, पर आंटी ने उसको पिंक पहना दी, उसको ग्रीन पहना दी. आंटी से पूछूंगी आपने ऐसा क्यों किया. तो गाइस लास्ट के दो कमेंट रह गए. एक है मनमू ज्योति का, पायल के जूड़ा देखकर मैं भी हंस हंस के पागल हो रही थी. बिल्कुल सही बात है, उसका जूड़ा उस दिन बन ही नहीं रहा था, हम खुद पागल हो गए थे, हंस हंस के नीचे गिर रहे थे. तो गाइस आज का लास्ट कमेंट है मनोज शर्मा का, हाय कृतिका दी आप एक और बेबी प्लान करो प्लीज. तो मनोज शर्मा जी अभी तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, बाकी भाई भगवान जी की मर्जी है, जब होएगा तो जरूर प्लान करूंगी, और जब भी कुछ होगा तो आप लोगों को अपडेट करूंगी, बट ऐसा अभी कुछ भी नहीं है. तो गाइस इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी करके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलो. और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, आदिवासी हेयर ऑयल और उसके साथ साथ शैम्पू और कंडीशनर भी आ चुका है, जिससे बाल भाई बहुत स्मूथ हो जाते हैं. जिनको लेना है यहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 नंबर दिख रहे हैं, इन नंबर पे कॉल करके आप अपना आदिवासी हेयर ऑयल, शैम्पू, कंडीशनर और साथ ही साथ स्लिमिंग किट भी मंगवा सकते हो, जिसको खाकर मैं और पायल पतली हुई है. तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय.